अभी यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 9 का साइंस 1 का लेसन। ऑलरेडी हम लोगों ने 3 लेसंस कंप्लीट किया है। ओके, ये फोर्थ लेसन है, मेजरमेंट ऑफ मैटर। मैटर कैन बी एनी सब्सटेंस, मैटर कैन बी एनी सब्सटेंस, आपके आजू-बाजू में जो भी सब्सटेंस है, ओके, उसको हम लोग मैटर बोल सकते हैं। ओके, तो वो बना हुआ रहता है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से, टाइनी पार्टिकल्स, ओके, यानी एटम से बना हुआ रहता है या फिर मॉलिक्यूल से बना होता है। एटम एक साथ आते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। ओके, मॉलिक्यूल से मैटर बनता है। ओके, तो इट कैन बी मेड फ्रॉम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मैटर बनता है। और वो कौन से भी फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, ये हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड में सीखा है। ओके, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट होता है। ओके, कंपाउंड आर फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, तो हम लोगों ने वो लेसन एक स्टैंडर्ड में पढ़ते वक्त हम लोगों ने ये भी स्टडी किया था एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में। तो यहाँ पे देखो कंपाउंड्स, ओके, अभी मेटल जो बना हुआ है कंपाउंड से बना हुआ है, आर फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट। कंपाउंड कैसे बनता है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक साथ आते हैं तो बनता है कंपाउंड, जैसे वाटर मॉलिक्यूल, ओके, या फिर वाटर कंपाउंड, वाटर कंपाउंड। तो वाटर कैसे बना है, दो हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन से बना हुआ। The principles of Galvin's atomic theory is that the molecules of the compound are formed by joining the atom of the different element. Okay, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके, ये दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं, तो वो एक साथ आने से क्या बना है, कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट है उसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये कंपाउंड जो बना है वो क्या होता है, कैसे बना हुआ है, एलिमेंट्स या फिर एटम्स को कंबाइन कर, तो ये एक सर्टन कॉम्बिनेशन से एक साथ आते हैं। तो कैसे आते हैं, ओके, वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। ओके, कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, जैसे हम लोगों ने स्टडी किया था एक स्टैंडर्ड में, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में, दोनों गैसियस फॉर्म, जब वो एक साथ आते हैं और बनता है वाटर, तो वो दोनों का प्रॉपर्टीज पूरा चेंज होता है और वो वाटर बन जाता है और एक नया प्रॉपर्टीज दोनों को आ जाता है। ओके, द फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट इज दिस रिगार्ड्स वेयर परफॉर्म बाय द साइंटिस्ट इन द 18th and 19th century में बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए इसके ऊपर। ओके, कैसे कंबाइन होते हैं, अभी कौन सा सेंचुरी है, 21st। किसको मिक्स किया है, कैल्शियम क्लोराइड एंड टेस्ट ट्यूब वाला सोडियम सल्फेट, दोनों को मिक्स किया, ये देखो ये मिक्स किया। ओके, अभी बिफोर मिक्सिंग इन दोनों का जो वेट है ये देखो क्या है, 300.23 का है। बिफोर मिक्सिंग दोनों का, कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट दोनों का जो वेट है वो कितना है, 300.23 का है। दोनों को मिक्स करने के बाद यानी रिएक्शन के बाद, रिएक्शन के बाद कुछ नया ही प्रोडक्ट मिलता है, क्या मिलता है, कैल्शियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, नया ही बनता है। देखो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड था, यहाँ पे सोडियम सल्फेट था, इन दोनों का प्रॉपर्टीज पूरा चेंज हो गया जब नया सब्सटेंस बन गया, दोनों जब एक साथ आए तो नया सब्सटेंस बन गया, कैल्शियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ओके, कोई नया ही सब्सटेंस बन गया, प्रॉपर्टी पूरा चेंज हो गया उनका, कंस्टिट्यूएंट्स का प्रॉपर्टी चेंज हो गया, मगर देखो इनका जो वेट है यानी रिएक्शन से पहले जितना अमाउंट है उतना ही रिएक्शन के बाद है, यानी कुछ भी लॉस नहीं है, कुछ भी लॉस नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ये हम लोग को बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, यानी मैटर कंजर्व हो गया, लॉस नहीं हुआ। ओके, बिफोर रिएक्शन जितना अमाउंट था उतना ही आफ्टर रिएक्शन अमाउंट है। ओके, इन द अबो एक्टिविटी द मास ऑफ द ओरिजिनल मैटर एंड द मास ऑफ द मैटर न्यूली फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल चेंज आर इक्वल। पहले जो मास था दोनों का मिलके उतना ही मास आफ्टर रिएक्शन है। ओके, इन 1785 द फ्रेंच साइंटिस्ट एंटोनी लवाजर इन्फर्ड फ्रॉम दिस रिसर्च दैट देयर इज नो राइज एंड ड्रॉप इन द वेट ऑफ द मैटर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन होता है कोई भी सब्सटेंस के बीच में जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उनके वेट के अंदर कुछ भी चेंज नहीं,
बिफोर रिएक्शन जो वेट रहता है उनका, आफ्टर रिएक्शन भी उतना ही रहेगा। तो मैटर कभी भी कम या ज्यादा नहीं होता बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन। इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल वेट ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम, दैट इज 300, हम लोगों ने देखा था, ओके। एंड द टोटल वेट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, ओके, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। बिफोर रिएक्शन जो वेट था 300.23 था, हम लोग 300 लेते हैं, आफ्टर रिएक्शन भी वेट उतना ही था 300, ओके। तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, कंजर्व यानी प्रिजर्व, ओके, नो लॉस नो गेन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये हो गया कंजर्वेशन। दो मार्क्स के लिए आपको लॉ पूछ सकते हैं, ओके, कंजर्वेशन में नो लॉस नो गेन, ओके, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा एक स्टैंडर्ड में सीखा है, मगर इसको अभी थोड़ा डिटेल में सीखते हैं कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है, ओके, तो उसमें जो एलिमेंट रहता है उसका प्रोपोर्शन या फिर उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट है उसका प्रोपोर्शन फिक्स रहता है, ओके, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ओके, प्रोस्ट, कौन से साइंटिस्ट है, प्रोस्ट, ओके, द प्रोपोर्शन बाय द वेट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द वेरियस सैंपल ऑफ अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स रहता है उनका बाय वेट जो प्रोपोर्शन रहता है, बाय वेट प्रोपोर्शन, वो हमेशा फिक्स होता है। बाय वेट जो प्रोपोर्शन रहता है वो क्या रहता है, फिक्स, कभी भी चेंज नहीं होता। अभी एग्जांपल लेंगे हम लोग वाटर का, ओके, वाटर का जो वाटर में क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन 1:8 है, 1:8 बाय वेट। तो आप कहां का भी वाटर लेके आओ, कंट्री, पूरे वर्ल्ड में कौन से भी कंट्री से आप वाटर लेके आओ, उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन 1:8 रहता है। अभी कैसे देखो, हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं। वाटर का फॉर्मूला है H2O, ये वाटर का फॉर्मूला। हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 रहता है, मगर यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, 2, तो 1 × 2 हो गया, कितना हो गया, 2, तो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया वाटर में, 2। ऑक्सीजन का मास जो होता है वो होता है 16, वो होता है 16, ऑक्सीजन का मास होता है 16, ओके, तो ऑक्सीजन का वेट मास उसका 16। अभी इसका हम लोग अगर प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे दोनों का प्रोपोर्शन, तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं एक दूसरे को, प्रोपोर्शन है 2:16। अभी देखो 2:16 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2/16, ओके। अभी फर्दर इसको अगर हम लोग और करेंगे तो क्या होगा, 2:1, 2 × 16, तो आ गया कितना, 1:8। अभी फर्दर ये डिवाइड नहीं होगा, फर्दर डिवाइड होता है क्या, नहीं, ओके। तो वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कितना आया, 1:2। तो आप वर्ल्ड से कहां से भी वाटर लेके आओ उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन 1:8 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक। Similarly, the proportion weighed by the carbon and oxygen in carbon dioxide is 3:8. Okay, ये भी हम लोग देख सकते हैं कि in 44 gram of carbon dioxide there is a 12 gram of carbon and 32 gram of oxygen. Okay, carbon dioxide का formula देखिए, CO2. Okay, अभी carbon का weight होता है 12. Okay, oxygen का weight हम लोगों ने देखा कितना रहता है, 16. तो यहाँ पे दो oxygen, तो 16 × 2 = 32। देखो अभी इसको किससे डिवाइड होगा, 12 और 32 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से, 4 × 3 = 4 = 8, ओके। तो क्या प्रोपोर्शन हो गया, 3:1। तो आप कहां पे भी जाओ एयर में, कहां से भी एयर लेके आओ, अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन ये 3:8 ही रहेगा। कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड जो बना हुआ है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट से बना हुआ है, तो इन दोनों एलिमेंट्स का बाय वेट जो प्रोपोर्शन है वो 3:8 ही रहेगा, ओके। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है एटम, ओके, साइज, मास एंड बैलेंसिंग, ये थोड़ा ब्रीफ कंसेप्ट है, तो पहला हम लोग
स्टेप वाइज जाते हैं, साइज क्या है, मास क्या है, वैलेंसी क्या है, ओके। तो एटम हम लोगों ने देखा है अर्लियर स्टैंडर्ड में, एटम ओके, एक सर्टन एलिमेंट एटम ओके, उसका न्यूक्लियस रहता है और उसके अराउंड ऑर्बिट रहता है और उसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स ओके, नंबर ऑफ शेल्स रहता है, ऑर्बिट्स नंबर ऑफ शेल्स रहते हैं, और न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तो एटम का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी थोड़ा बहुत सीखा हम लोगों ने इस स्टैंडर्ड में भी सीखा ओके। और ये इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो मूविंग रहते हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट यानी क्या, ऑर्बिट्स ओके। द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट पर्टिकुलरली व्हाइल एट द एलिमेंट्री पार्टिकल दैट मेक्स अप द न्यूक्लियस आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन ओके। क्या क्या रहता है एटम में, इलेक्ट्रॉन विच आर द नेगेटिवली चार्ज विच आर द कंटीन्यूअसली मूविंग, प्रोटॉन विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विच इज अ पॉजिटिवली चार्ज, एंड विद द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस देयर इज अ वन अनदर कंस्टिट्यूएंट दैट इज अ न्यूट्रॉन विच इज अ न्यूट्रल चार्जलेस, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता ओके। द साइज ऑफ एटम इज डिटरमाइंड बाय इट्स रेडियस, एटम का साइज उसके रेडियस है। देखो सबसे छोटा पार्टिकल एटम दिखता है क्या आंख से, नहीं, उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना पड़ता है ओके। हाई फील्ड वाले माइक्रोस्कोप, नॉर्मल माइक्रोस्कोप भी नहीं जो आपके लैब में रहते हैं ओके, एकदम हाई फील्ड वाले माइक्रोस्कोप यूज करने पड़ते हैं ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह यूज करने पड़ते हैं, तब वो हम लोग को दिखता है, एटम दिखता है ओके। अभी उसका साइज फाइंड करना है तो उसके रेडियस से फाइंड करना पड़ता है, किससे फाइंड करते हैं, रेडियस ओके। तो रेडियस यानी क्या, रेडियस यानी क्या, देखो क्या लिखा है, द एटॉमिक रेडियस ऑफ आइसोलेटेड एटम, किसी भी एटम का रेडियस यानी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट ओके। तो देखो ये सपोज मेरे पास एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो पॉजिटिव से दिखाता हूं मैं, और ये एक ऑर्बिट, एक ऑर्बिट, और एक मेरे पास है ये वाला, उसमें एक ही ऑर्बिट ओके। अभी उन्होंने क्या बोला है, इस कौन सा बड़ा एटम है, ये और ये, तो हम लोग देख के ही बोलेंगे कि ये बड़ा है, क्यों, अभी इन दोनों का रेडियस कैसे फाइंड आउट किया जाता है ओके। कैसे फाइंड आउट किया जाता है, डिस्टेंस बिटवीन ये न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहर वाला ऑर्बिट, बाहर वाले ऑर्बिट से न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस, उसको बोलते हैं रेडियस, और उससे एटम का साइज फाइंड आउट करते हैं, जितना बड़ा रेडियस उतना एटम का साइज बड़ा ओके, और ऑर्बिट बढ़ेंगे साइज और बढ़ेगा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूक्लियस से यहाँ पे एक ही ऑर्बिट है, तो ये रेडियस कम है, तो ये एटम का साइज कम, किससे कम है, उससे कम। अभी हम लोग ये जो एटम का साइज है ओके, तो यहाँ पे देखो सर्टन एग्जांपल्स दिए, एटॉमिक रेडियस इन मीटर्स, इन मीटर्स एग्जांपल दिया है, देखो हाइड्रोजन का कितना रहता है एटॉमिक रेडियस, 10^-10 ओके मीटर ओके, वाटर मॉलिक्यूल का कितना रहता है 10^-9, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसका देखो कितना है 10^-8 मीटर्स ओके। तो ये उनके अंदर जो एटम्स है तो उसका एटॉमिक रेडियस है। द एटम साइज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स इन द एटम, ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स लार्जर द साइज। देखो मैंने बोला एक ऑर्बिट था तो साइज कम था, दो ऑर्बिट थे साइज ज्यादा था, और ऑर्बिट बढ़ेंगे, शेल्स बढ़ेंगे तो साइज एटम का बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल्स पोटेशियम इज अ बिगर देन द सोडियम, पोटेशियम सोडियम से बड़ा, क्यों, देखो सोडियम का सिर्फ कितना ऑर्बिट है 2, 8, 1, ये सोडियम तो दो ऑर्बिट, तीन ऑर्बिट है, 1, 2, 3, पोटेशियम का ज्यादा ऑर्बिट है 2, 8, 8, 1 ओके, तो ये ज्यादा ऑर्बिट है, कितना ऑर्बिट है 4 ओके, तो ये साइज क्या हो गया उसका बढ़ेगा, ऑर्बिट बढ़ गया साइज बढ़ गया। इफ द टू एटम हैव द सेम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अभी देखो यहां पे गड़बड़ क्या है, देखो अभी मैंने बोला कि यहां पे देखो ये 1, 2 और ये मैंने बोला था 1, तो आप देख के ही बता सकते हो ये बड़ा है और ये छोटा है, क्योंकि इसमें दो ऑर्बिट है इसमें एक ही ऑर्बिट है। अगर ये भी दो ऑर्बिट वाला है और ये भी दो ऑर्बिट वाला है तो आप कैसे बताओगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये बड़ा है या ये छोटा है, या फिर वो नीचे वाला बड़ा है या ऊपर वाला छोटा है, क्योंकि दोनों का
आप ऐसे देखोगे तो दोनों का दो ही ऑर्बिट है तो रेडियस सेम होना चाहिए। नहीं, तब कैसे एटम का साइज फाइंड आउट किया जाता है, तब कैसे रेडियस फाइंड आउट किया जाता है कौन बड़ा और कौन छोटा, तब देखा जाता है कि इस आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना उसका साइज कम। मैंने क्या बोला, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना उसका साइज कम। सपोज इस आउटर मोस्ट शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है एक, और इसके आउटर मोस्ट शेल में दो या तीन इलेक्ट्रॉन है, ऐसे हम लोग बोलेंगे। ओके, तो किसके आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसके, और इसके क्या है कम। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल तो उसका साइज कम, उसका साइज क्या होता है कम, और इसका साइज क्या रहेगा ज्यादा। ओके, तो सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम देखो 281 एंड मैग्नीशियम है 282, ये हो गया आउटर मोस्ट शेल। ओके, तो किसके इन तीनों का शेल देखो 1 2 3 1 2 3, तीनों का शेल सेम है और भी सेम है तो साइज सेम होना चाहिए। नहीं, ओके, किसका साइज कम रहेगा, इसके देखो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन यानी साइज कम, ज्यादा इलेक्ट्रॉन यानी साइज कम, कम इलेक्ट्रॉन यानी इसका साइज ज्यादा। ओके, तो सोडियम बड़ा रहेगा, बड़ा एटम रहेगा इससे मैग्नीशियम से, इससे बड़ा रहेगा मैग्नीशियम से। तो ये कंसेप्ट ठीक से याद रखना, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको 10th स्टैंडर्ड में एक्सप्लेन करने के लिए कि ये कैसे चेंज होता है। ओके, तो ये ठीक से याद रखना।